हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हमारे साथ है भाई महिंद्रा स्कॉर्पियोन। ये है अनमोल भाई की। कौन सा वेरिएंट है भाई, सबसे पहले ये बताओ। ये है Z8L डीजल ऑटोमेटिक 4x4। बिल्कुल टॉप मॉडल है ये। ब्लैक कलर में गाड़ी है, इसके ऊपर रैप हो रखा है। अभी भाई ये गाड़ी इंडिया से लंदन होके आई है। बिल्कुल हाँ। भाई एक बात बताओ, अप्रिसिएशन कुछ मिला महिंद्रा महिंद्रा से, ये बताओ मेरे को। सब लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं बट आंसर वही है, नहीं मिला कुछ यार। आनंद महिंद्रा इतना जब मैट होती है गाड़ी उस पर भी कर देते हैं ट्वीट, मतलब इतना बड़ा आपने काम किया भाई ये गाड़ी को यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लंदन लेके जाना, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। स्टिल कुछ नहीं, किसी के सनरूफ लीक हो जाए तो वो गाड़ी वहां तक तो पहुंचा सकते हैं भाई, झरने के नीचे। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, कमाल है भाई यार। और जबकि देखो इतनी ऑडियंस यहाँ पे है, सबने इतना अप्रिशिएट किया इस चीज को, लेकिन क्या यार ब्रांड, इंडियन ब्रांड होके। अच्छा आपके पास देखो उस टाइम X7 भी थी और भी आप बहुत सारी ब्रांड्स आपके पास, अभी ऑडी भी लिया, इसको ले जाने का क्या मेन पर्पस क्या था भाई पहले उस टाइम पे? ये देखो जिस टाइम पे ये ली ना, प्राइस के हिसाब से गाड़ी नो डाउट बढ़िया है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये दे रहे हैं। दूसरा मुझे अपना इंडियन ब्रांड ले जाना था कि अपना इंडिया का ही ब्रांड हो, चाहे मैं टाटा ले जाता चाहे ये ले जाता, बट टाटा में उस टाइम पे हैरियर और सफारी इतनी खास नहीं थी, जो अब वाली आई है वो काफी बेटर कर दी है। तो मुझे इनका एक अपना वो XUV 700 समझ आ रही थी और एक स्कॉर्पियो समझ आ रही थी, उसमें प्रॉपर 4x4 नहीं था, इसमें प्रॉपर 4x4 था, इसलिए इसको चूज किया। अब यही तो भाई इंडियन, भाई इंडियन को इतना प्रमोट कर रहे हैं लेकिन यार उन्होंने नहीं किया, थोड़ा सा एक दिक्कत है। तो वो भाई के कंप्लीट हो गई ट्रिप इस गाड़ी के साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई इस गाड़ी के साथ? बहुत बढ़िया रहा, 30 देशों में गाड़ी चलाई थी हमने, अलग अलग क्लाइमेट मिला होगा ना। क्लाइमेट तो मेजोरिटी सेम ही था, मतलब बारिश कहीं पे थी, बर्फ नहीं थी कहीं भी। इस वाली ट्रिप में बर्फ भी मिलेगी लेकिन। अच्छा जैसे स्कॉर्पियन को लेके भाई बहुत डाउट उठते हैं इंडिया में लोगों, किसी का एक्सल टूट रहा है, अभी तो इन्होंने मतलब वो 4x4 में भी काफी चेंज कर दिया डिफरेंशियल वगैरह में। क्या क्या आपको कुछ समस्याएं आई गाड़ी के साथ, जैसे यहीं पे इतना सब लोग क्लेश करते रहते हैं इसके साथ, आप तो इतना घुमा रहे हो गाड़ी को, इतने किलोमीटर आपने कवर किया, उसके बारे में बताओ पहले। टचवुड मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, अब ये पीस ऐसा निकला या पता नहीं क्या सीन था, बस एक क्रूज कंट्रोल की इसमें प्रॉब्लम आई थी, चलते चलते क्रूज कंट्रोल काम करना बंद कर जाता था, फिर उसको इंजन ऑफ करो वापस ऑन करो तब चलता था। तो अभी वो बात हुई थी तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया जिसमें एप्पल कार प्ले भी आ गया इसमें, और वो भी सही हो गया। अब वो सही हुआ या नहीं हुआ वो ट्रिप के दौरान ही पता चलेगा। फर्स्ट लोड की गाड़ी थोड़ी थी आपकी, तो आपने तो नहीं, मेरे फेब्रुअरी में मिली थी मेरे को ये। हाँ तो बस, तो फिर ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी नहीं, में नहीं, कोई है दिक्कत नहीं है। अब मेरे को भाई एक चीज बताओ, लंदन ट्रिप हो गई कंप्लीट, अब कहाँ का प्लान बन गया नेक्स्ट? इतना जल्दी जल्दी लोग मतलब गाड़ियां बदलते देखे हैं, बट आप इतनी जल्दी जल्दी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान, भाई इतना तो इंडिया में रहते हुए लोग नहीं कर पाते। तो मेरा यार मेन एम यही है कि इस गाड़ी को 2,00,000 किलोमीटर चलाना है। अभी कितनी हो गई? अभी तो 22,500 हुई है। अच्छा कितना पड़ता है ये पूरा लंदन का? लंदन तक हमारा 21,000 कुछ था। अच्छा भाई इंडिया में तो मेरे को लगता है चलाई ही ना लगती आपने। नहीं, इंडिया में नहीं चलाई, जैसी ली उसके 20-25 दिन बाद निकली गए थे हम। अच्छा यार एक मेरा पर्सनली की एक सवाल, जैसे X7 जैसी ये रहता है ना, इतना लंबा आप ट्रैवल करोगे 21,000 किलोमीटर, तो एक लग्जरी वाली चीज रहे यार, बेटर स्पीकर्स, बेटर हैंडलिंग, हर चीज बेटर रहती है। फिर साथ में ये रहता है कि भाई बाहर ना इनके सर्विस सेंटर महिंद्रा के इतने हैं नहीं, उनके आपको हर चीज में मिल जाती है। जैसे मैं देख रहा था आप सब कुछ कैरी करके चलते हो उसमें, तो अपनी हर एक छोटे छोटे पार्ट्स, इसके पीछे क्या है भाई? यार देखो X7 मन को कैसे समझाया, मतलब इंडियन वाली चीज ठीक है, 1.5 करोड़ की वो गाड़ी थी। दूसरा जो इंश्योरेंस होता है वो सिर्फ इंडिया में वैलिड होता है, अगर आपका दूसरे देश में कुछ भी ठुकता है, गाड़ी चोरी होती है, तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब ये गाड़ी जैसे ईरान में ठुकी थी तो इतना मेजर डैमेज नहीं था कि वहां पे रिपेयर करवाने की जरूरत पड़े, इंडिया में आके रिपेयर हो गया। बट अगर X7 ठुकती और वहां पे हमें चेंज करवानी पड़ती, इंश्योरेंस मिलता नहीं, उसकी डिक्की 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा हमें जेब से देना पड़ता, सबसे पहली चीज वो। दूसरा उसकी डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है अगर मैं 21,000 चला देता, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में गाड़ी आ जाती है, तो वो दिक्कत थी। प्लस वो गाड़ी मुझे परमानेंट नहीं रखनी थी, क्योंकि मेरा एम ये है कि इस गाड़ी से मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये जिंदगी भर रखूँ अपने पास, भले ही ये खराब हो जाए एक टाइम पे, इसका इंजन खत्म हो जाए, बट गाड़ी रहेगी अपने पास हमेशा की याद की तरह की। कितने की ली थी भाई ने? ये 27,40,000 की थी, अब अराउंड 30 लाख के आसपास पहुंच गया इसका रेट। अच्छा जो ऑन रोड भाई, अब जैसे इंडिया टू लंदन पूरा आपने किया है, इसका थोड़ा सा ना भाइयों को ब्रीफ करो, जैसे बहुतों को पता नहीं है कैसे पूरा चल के जाती है गाड़ी, या बीच में क्या 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 सिस्टम रहता है रोड्स, तो क्योंकि जहाँ तक अवेलेबल है नहीं इतने। यार देखो यहाँ से ना फ्रांस तक की प्रॉपर रोड है, बट वो रूट निकलता है चाइना होते हुए, तो जिस टाइम पे हम गए थे चाइना बंद था उस टाइम पे 2-2.5 साल से, अब खुल गया है, तो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे हम चाइना से ही जा रहे हैं फिलहाल। बट उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो पाकिस्तान के थ्रू जाए
पाकिस्तान वीजा देता नहीं इंडियंस को, और दूसरा था हमने इंडिया से शिप करी थी गाड़ी ईरान, फिर ईरान में गाड़ी ली, वहां से रोड ट्रिप पूरी शिप मतलब समुद्र में ऐसे गई है शिप से कंटेनर में। बहुत लोग इस बात पे डिफेंड करते हैं, डिबेट करते हैं कि फिर ये बाय रोड कैसे बना, आप इसको कैसे टैकल करते हो भाई? यार देखो, वैसे तो जो लंदन वाला रूट चाइना से भी है ना, वो भी बाय रोड नहीं है, क्योंकि आपको फ्रांस से यूके जाने के लिए या तो फेरी लेनी पड़ेगी या अंडर वाटर टनल बनी हुई है उसमें ट्रेन में जाना पड़ेगा, तो काइंड ऑफ वो भी रोड ही नहीं है आप एक तरह से कह सकते हो। तो रोड तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है, जैसे ये भी रोड ट्रिप तो है ऑस्ट्रेलिया की, बट सिंगापुर तक ही रोड है, उसके बाद तो शिप करनी पड़ेगी। अब वो है मजबूरी से बनी, मजबूरी है वो, तो समुद्र है उस पर रोड कौन ही बनाएगा, गाड़ियां नहीं चाहिए। मेन वो है कि मेन देखो रोड ट्रिप का ये होता है कि हमने बाय रोड 30 देश ट्रेवल करे है एक्चुअल में, अब वो दिल्ली से हम मुंबई तक गए वो भी रोड था, फिर वहां से शिप हो गई, तो वो अलग चीज है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या प्लान है आपका ये बताओ भाई थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया में हमारी लगभग 11 कंट्रीज कवर करेंगे हम, अगर न्यूजीलैंड भी हो गया तो 12 हो जाएगी। पहले 23 प्लस थी ना, पहले तो 30 हो गई थी हमारी पूरी, करने का एम तो 40 का था बट वीजा एक्सपायर हो रहा था इसलिए 30 ही कर पाए। इस टाइम पे क्या है, हमें दिल्ली से जा रहे हैं हम नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। अच्छा, तो काठमांडू में हमें चाइना का वीजा मिलेगा, नेपाल में थोड़ा बच के रहना भाई। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा दिक्कत, मैं तो जा चुका हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं आई थी। चलो ठीक है आगे। उसके बाद हम चाइना में तिब्बत वाले रीजन में एंटर करेंगे, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है वहाँ तक गाड़ी जाएगी अपनी। उसके बाद फिर बीजिंग तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जहाँ पे पूरा चाइना कवर करते हो, मतलब चाइना चाइना में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे हम। अच्छा। इतना बड़ा है चाइना खाली, और अभी भी उसका हम 30% ही पार्ट कवर कर पा रहे हैं, इतना बड़ा चाइना है सोचो आप। तो इस सब कंट्रियों के वीजा लेने पड़ते हैं पहले? हाँ, सबका। इस बार इस ट्रिप में 11 वीजा लगे हैं टोटल, पिछले में 4 ही लगे थे, क्योंकि जो यूरोप का एक वीजा है ना शेंगन वीजा, उसी से आप एक ही वीजा से पूरा यूरोप घूम सकते हो। अच्छा, पर तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो सब देशों पूरा के मतलब ये जो आपने दिखा रखा है पूरा इस बार बाय रोड ही जाएगा। बाय रोड या सिंगापुर तक, जैसे हम चाइना से एंटर करेंगे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर तक रोड है, फिर सिंगापुर से इंडोनेशिया फेरी है, समुद्र पार करना पड़ेगा। अच्छा। और इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, तो ये शिप से जाएगी कंटेनर में, फिर ऑस्ट्रेलिया में घूमोगे। ऑस्ट्रेलिया में हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी लेंगे, और ये पूरा कोस्टल कवर करते हुए सिडनी तक का एंड पॉइंट है हमारा भाई। जैसे इस सब में ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे चले जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा बताओ ना लोगों को कि ये पॉसिबल कैसे है कोई भी। तो मेरा ना इंडियन बैकपैकर चैनल पे वीडियोस का मेन एम यही है कि सरल शब्दों में डॉक्यूमेंटेशन, रूट सबको पता चल जाए, कि कोई भी कल को उठ के गाड़ी की प्रिपरेशन करवा के इस ट्रिप पे निकल सके। क्योंकि जब तक मैं नहीं गया था ना, उससे पहले तक बहुत लोगों ने ट्रिप करी तो थी, पर कहीं पे भी कुछ भी प्रोसीजर नहीं था ना, यूट्यूब पे कुछ बताया हुआ था डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं क्या नहीं, तो वो मेरे को बताना है। तो करा जा सकता है, अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई भी कर सकता है ऑब्वियसली, बट प्लानिंग पूरी चाहिए उसके लिए। क्या कुछ खर्चा बैठ जाता है भाई, एक रफ आइडिया दोगे क्या? यार खर्चा देखा जाए लंदन ट्रिप में हमारा लगभग 36 लाख लगा है दो लोगों का, तो 18-18 लाख रुपए का पर बंदा खर्चा आया था। बट इस ट्रिप पे मैं अकेला हूँ, मेरा कैमरामैन साथ जा रहा है, तो खर्चा मुझे ही उठाना है। लगभग 40 के आसपास का एस्टीमेट है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है ना, चाइना का रूल है कि जब आप चाइना में एंटर करते हो और एग्जिट करते हो, जो जितने दिन आप चाइना में हो उनका एक एजेंट आपकी गाड़ी में रहेगा। हाँ, और वहाँ पे जाके ये नंबर प्लेट भी चाइनीज में बनेगी, नहीं मेरा लाइसेंस भी चाइनीज में बनेगा पूरा का पूरा, तो उस चीज का कॉस्टिंग ही 11 लाख रुपए खाली चाइना एंटर करने की। तो ये मेजर खर्चा चाइना का है, उसके बाद फिर रहना खाना, तो मतलब समझ लो आप 35 दिन चाइना में 15-16 लाख रुपए लगे। तो इसमें ऐसा रहता कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं हम, या उस पे भी कुछ है? 2-3 महीने पहले पूरी प्रिपरेशन और परमिशन लेनी पड़ती है, गाड़ी की डिटेल, गाड़ी की पूरी फोटोज भेजनी पड़ती है उनको, कार्नेट होता है, जैसे हमारा पासपोर्ट है, गाड़ी का पासपोर्ट को कार्नेट बोलते हैं, तो हम जब जाते हैं हमारा स्टैंप लगता है, उसी तरह से गाड़ी का भी कार्नेट पे स्टैंप लगता है कि इस देश में इस दिन एंटर करिए और इस दिन एग्जिट। ऐसा भी कुछ रहता है कि यहाँ भी कुछ जमा पैसे वैसे करके जाने पड़ते हैं? कार्नेट की फीस है 1,18,000 रुपए, उसके अलावा जो अथॉरिटी कार्नेट इशू करती है उनको 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर जाना पड़ता है कि बंदा यहाँ से ले जाके गाड़ी बेच ना आए वहाँ। अच्छा, जब आप वो वापस ले आओगे गाड़ी तो आपको 5 लाख रुपए वापस। अच्छा ठीक है। अब जैसे आप फिर से मैं लंदन पे जाऊंगा, जैसे बाहर के देशों में आप घुमा रहे हो इस गाड़ी को, इंडिया में तो रोड प्रेजेंस गाड़ी की है ही भाई, आजकल तो आए दिन दूसरी तीसरी गाड़ी आप देखते हो रोड पे, नहीं दिख रही है बाहर, क्या रोड प्रेजेंस कैसी कुछ है क्या है बाहर? देखो ब्रांड तो नहीं पता लोगों को ज्यादा, थोड़ा सा ब्रांड तो बाहर लोगों को नहीं पता ज्यादा इसके बारे में। ईरान में तो जो हमारा एजेंट था वो इसको लैंड क्रूजर बोल रहा था, जब कंटेनर से बाहर निकली ना तो इसकी हाइट वाइट देख के तो उसे लगा लैंड क्रूजर है, तो मैंने उसे बताया कि ऐसे इंडियन ब्रांड है महिंद्रा, उनकी गाड़ी है स्कॉर्पियो है। तो जर्मनी के जो ऑटोबान्स होते हैं ना वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, वहाँ पे लोग अपनी फरारी लैम्बोर्गिनी भगाते हैं पूरा, तो वो 2-3 करोड़ की गाड़ियाँ भी इसको पलट के देख रहे थे लोग उसके अंदर जो बैठे हुए थे।
क्योंकि एक तो रैप ऐसा इंडिया से वहां तक पहुंच गई है, तो गाड़ी की वजह से भले ही ना देख रहे हो बट रैप की वजह से जरूर देख रहे थे कि कोई कुछ कर रहा है यूनिक चीज। बाकी ऑस्ट्रेलिया में तो गाड़ी अवेलेबल है, बिकती है स्कॉर्पियो वहां पे, तो वहां तो दिक्कत आनी नहीं है। और सर्विस सेंटर वगैरह का क्या कुछ ऐसे डर नहीं रहता भाई कि मान लो कुछ चीज खराब हो गई, फिर थोड़ा महिंद्रा टाटा लिटिल लिटिल से ऐसे बदनाम है थोड़ी सी पार्ट्स वार्ट्स को लेके, क्या उसका क्या टैकल यार क्या करते उसका? देखो हम जब निकले थे तो एक सर्विस करवा के गए थे, अब जैसे अब जा रहे हैं तो 20,000 वाली सर्विस हुई है इसकी, अब ये सीधा सर्विस होगी 32,000 पे। उसके लिए हम एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, जितने भी ऑयल ब्रेक पैड वगैरह सब कुछ ले जा रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी लेके चलते हैं उसमें, इसी में पूरा पड़ा है ये स्पेयर पार्ट पूरे, अभी ये हमने इसमें फिट करेंगे, थोड़ा टाइम नहीं मिला था, यहाँ पे सारे स्पेयर पार्ट लेकर जाते हैं इस डब्बे में ये रहे। अरे अनमोल भाई एक बात बताओ, आपको वो शौक नहीं है किचन विचन बनवा लेते हैं? बहुत से लोग अपने बाहर जाके भी खुद खाना वाना बनाए। यार देखो वो चीज ना, एक तो साइज बड़ा चाहिए व्हीकल का उसके लिए, इससे बड़ा क्या होगा भाई, जो वैन वगैरह आती है ना उस टाइप के लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरा हमारे इतनी लंबी जर्नी है 4 महीने की, तो हमें होटल लेने ही पड़ते हैं, वरना यूट्यूब पे वीडियोज नहीं आ पाएगी, एडिटिंग कहाँ करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने गाड़ी में सीन नहीं रखा कुछ भी, होटल में ही रखा है। बाकी वैसे सेकंड रो देखोगे ना आप, इसमें मैंने जो है स्टोरेज बॉक्सेस बनवा के गद्दा बनवा लिया है, तो कभी पेट्रोल पंप पे जैसे चलाते जाते नींद आ रही हो रस्ते में, तो इसमें सो गए जाके झपकी मार ली आधा एक घंटे के लिए। अच्छा, अब वो फ्यूल का और बताओ थोड़ा, जैसे डीजल आप लेके चल रहे हो भाई, मैंने सुना बाहर डीजल महंगा है उल्टा है। हाँ देखो, ईरान में हमें 5 रुपए लीटर डीजल मिला इंडिया के हिसाब से केवल। अच्छा, उधर तो बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि उनमें ना यूएस का सैंक्शन लगा हुआ है, तो वो किसी भी देश को ऑयल बेच नहीं सकते। अब उनके पास इतना ऑयल हो गया कि वो महंगा क्या ही करेंगे करके, जब बिकी नहीं रहा कुछ, तो 5 रुपए लीटर है, बट वहाँ पे टूरिस्ट को डीजल मिलता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से लोग आके ना वहाँ से तस्करी करते डीजल की, तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है टूरिस्ट के लिए। तो हमें क्या होता था, जैसे इंडिया में 5,000 रुपए का टैंक फुल हो रहा है, वहाँ पे हो जाता था 250-300 रुपए में फुल, और वो भी वो हमसे पैसे नहीं लेते थे, जैसे ट्रक वालों ने फ्री में दे दिया, पेट्रोल पंप वालों ने फ्री में दे दिया, तो 2,500 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली फ्री में बिल्कुल ईरान में। अच्छा, तो बहुत बढ़िया भाई, 2,500 किलोमीटर यहाँ तो भाई ऐसा कुछ सेवा फ्री की मिलती नहीं है गई। ये ठड्रो हटवा रखी है क्या? ठड्रो हटवा दी, यूज नहीं था क्योंकि सामान इतना आ जाता है ना सूटकेस के। और भाई इंडिया में रैप वैप को लेके थोड़ा लीगल इलीगलिटीज़ का इशू बनता है, तो इस पे जैसे ये पूरा यहाँ चित्र छाप रखा है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, बाहर नहीं होता कुछ? कलर नहीं चेंज होना चाहिए, जो आरसी में कलर है वो रहे, जैसे ब्लैक था तो ब्लैक ही बेस रखा है हमने जर्मनी में, ताकि आप स्टिकर्स ही लगा सकते गाड़ी में, बट हमारी गाड़ी में इतने स्टिकर्स थे तो 5-6 दिन कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पर। और इंडिया में जैसे मान लो अभी मैं 4 में खड़े हैं, कोई कर्नाटक का गाड़ी आ जाए, टीए नंबर आ जाए, उसी को इतना सेज नहीं लग जाते पुलिस वाले? उधर की उधर का क्या सिस्टम रहता है? तो इंडिया है, हमने एक बार ओवर स्पीडिंग का चलान हमारा रोका था पुलिस ने ईरान में, पर उन्होंने चलान के पैसे ही नहीं लिए रैप देख के कि इंडिया से कोई आया हुआ है। तो बाहर देशों में मतलब ना ये प्रायोरिटी आपको देते हैं कि कोई बंदा अगर इतना लंबा ट्रैवल कर रहा है तो उसको परेशान ना करे, अब इन देशों में क्या होगा पता नहीं। अनमोल भाई कहीं झरना वरना नहीं मिला क्या आपको बाहर देश में कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए थोड़ा? नहीं, झरना तो नहीं मिला, इस ट्रिप पे मिलेगा। अच्छा, इस बार जरूर लगा के रहन देना भाई, आप रहन देना, लंबी ट्रिप है, रिस्क नहीं लेना। ये तो है, और बाहर में सर्विस भी नहीं मिलने की। बाकी भाई ये गाड़ी में जैसे ये सारी चीजें हैं ये ओके परफेक्ट एकदम काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये सब कुछ सही बाहर है। बाहर जो ये महिंद्रा का ये आता है भाई, ये ईसिम वगैरह का सिस्टम इसके अंदर ये नहीं चलता, सब डिसेबल हो जाता है। मतलब आप एलेक्सा बोलोगे ले लेगा, बट वो कुछ रिस्पोंड नहीं करेगा, वो घूमता ही रहता होगा। ये एक चीज और बताओ यार, इसके अंदर जैसे राइट हैंड ड्राइव है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव कर, मतलब उसको कैसे मैनेज करते हो भाई? शुरू में दिक्कत हुई थी 2-4 दिन, और स्पेशली जो सिंगल लेन होती है ना, तो जब हमें किसी ट्रक को या किसी बस को ओवरटेक करना है, तो अब इंडिया में तो हमें दिख जाता है कि सामने से कुछ आ रहा है, बट ऑपोजिट रोड में पैसेंजर को देखना पड़ता है कि कुछ आ तो नहीं रहा, तब ओवरटेक होता है। तो ईरान में इसी चक्कर में इसका एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से टेम्पो वाले ने ठोक दी थी आगे गाड़ी। और बाहर तो रूल्स ही बहुत स्ट्रिक्ट है ना, हल्की सी भी गलती का वो लोग वो देते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यूरोप में तो ज्यादा ही सीन है, यूरोप यूके में तो, बट वैसे आदत हो जाती है, आप 1-2 दिन चला लोगे ना तो दिक्कत नहीं होती। मजा वैसे गाड़ी में मजा है पूरा, 2 किलोमीटर में पूरा। मतलब ये गाड़ी ऐसी है कि मैंने इसको स्विट्जरलैंड से पेरिस 900 किलोमीटर चलाया था लगातार, एक दिन में 9 घंटे की ड्राइव थी, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे ख्याल से फुली सैटिस्फाइड, मैं पूरा सैटिस्फाइड, कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी, कोई दिक्कत। भाई ये देखो भाई यार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की टेस्टिंग मतलब बाहर बाहर तक भाई कराई है, इतनी मजेदार गाड़ी लग रही है। टाटा हैरियर मतलब उस टाइम पे क्यों, उस टाइम पे अच्छी नहीं लगती थी, अब वाली जो आई है ना अपना सफारी और हैरियर वो बेटर है, क्योंकि एक तो स्टेयरिंग लाइट है, पहले थोड़ा सा हार्ड था, उसी चक्कर में मुझे फॉर्च्यूनर पसंद नहीं है, क्योंकि ना फटीग हो जाता है लॉन्ग ट्रिप्स में, बहुत गलियों में मोड़ने में और उस चीज। तो अब ले जाओ हैरियर, अब नहीं, अब तो एक गाड़ी जो चूज कर ली वही ले जानी है, अब इसी को 2 लाख किलोमीटर चलाना है, ये एम है, और 90 देशों में चलानी है टोटल। अभी बस 23 हुई है, अभी 30 हो गई है, 11 इसमें हो जाएगी, और फिर अगली ट्रिप जब बनाएंगे उसमें मेजोरिटी। थकते नहीं है मतलब यार, इतनी लंबी इतनी
इतने दिन हो जाते हैं कि यार थोड़ा पी मतलब वो चाहिए यार, वो तो यहाँ तो इंडिया में ले लद्दाख जाते हैं लोग 5-7 दिन में अपना थक हार के घर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मेंटली आपको इसके लिए मेंटली फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप ये जर्नी कर सकते हो, वरना नहीं हो पाएगी ये चीज। वही तो भाई, इसमें बड़ा धैर्य चाहिए यार, और वो भी भाई दो लोगों के साथ। अच्छा, जितने लोग भरेंगे, जैसे कई यार दोस्त सोचे कि हम 4-5 चले जाएं, खर्चा बढ़ेगा उसमें? खर्चा सिर्फ होटल रूम का एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बाकी डीजल उतना ही लगना है, गाड़ी की परमिशन उतनी है, टोल टैक्स उतना ही है, वीजा तो सबका लगेगा, वीजा सबका लगेगा, फ्लाइट वापिस आने की सबकी लगेगी, शिपिंग बट जाएगी। बट 4 लोग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप 4 महीने के लिए अगर ट्रिप पे जा रहे हो तो पर बंदा भी 2-3 सूटकेस होते हैं, इतना सामान तो ले जाओगे, तो 4 बंदों का लगेज तो आने ऊपर नहीं बांध सकते। बांध सकते हो, वहाँ तो लीगल है सब कुछ, बट वो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज उतारो निकालो उतारो निकालो। तो भाई ये ऐसे ट्रैवल करना मतलब ऐसे लीगली ये इजी है हार्ड है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताओ। परमिशंस है अगर हर जगह की, मतलब ऐसी सीधा मुंह उठा के नहीं निकल गए तो इजी है। जैसे आप इंडिया में स्टेट टू स्टेट जाते हो, वहाँ पे भी बस आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वो जाने देते हैं, पर चेकिंग बहुत होती है, जैसे कि कहीं पे आप ड्रग्स तो नहीं छुपा के ले जा रहे पूरा गाड़ी में, तो वो सब कुछ पहले मतलब रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ से क्या करनी पड़ती है। कितने टाइम लगा आपको पूरे इसमें? मेरे को 1.5 साल लगा था लंदन वाली ट्रिप की रिसर्च में। देख लो भाई, ऐसे ही नहीं कोई आज मुंह बना के कोई नहीं जा सकता, 1.5 साल कम से कम, कि हर वो उसका वीजा कहीं फंस गए तो क्या कुछ रहेगा। पर वो 1.5 साल की नॉलेज मैंने लगभग आप लगा लो 100 एपिसोड में बांट दी है पूरी, तो अब किसी को अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने ट्रिप देखी है ना तो उसको कारनेट से लेके परमिशन टोल टैक्स सब इन्फॉर्मेशन उसी में मिल जाएगी। तो अब कितने दिन बाद निकल रहे हो आप? मैं परसों निकल रहा हूँ, 22 तारीख को। 22 उसमें शिप का खर्चा अलग देना पड़ता होगा भाई, जैसे बीच में शिप विप रहती है। 36 लाख में मेरा सब हुआ था, रहना खाना डीजल परमिशन कारनेट वीजा शिपिंग होटल सब कुछ। भाई एक ट्रिप गाड़ी से महंगी पड़ गई। एक्सपीरियंस जो ऐड हुआ है ना लाइफ टाइम का, वो अलग ही चीज है। मतलब आप देखो यूरोप के ना मैंने 25 देश करे हैं, अगर आप फ्लाइट पे 25 देश कवर करोगे ना, आप 15-20 लाख रुपए वैसे भी खर्च दोगे वहाँ पे। मैं सोचो पर बंदा 16-18 लाख रुपए में 30 देश गाड़ी से घूमे आया, और मजा आया पूरा। मजा बहुत आया, बहुत बढ़िया, लोगों से मिले, इतने एक्सपीरियंसेस ऐड हुए, व्लॉग्स बने, रिस्पांस भी बहुत तगड़ा मिला इस बार तो। ये तो है। और भाई 4 कहीं ट्राई करा कहीं किसी देश में? टर्की में ट्राई करा था, बट जरूरत नहीं पड़ी थी, हल्का सा फंस गया था, तो 4 लो में ही 4 हाई में ही चल गई थी। मतलब दूसरे देश में जाके ऐब करने भी नहीं चाहिए मेरे को लगता है ना। जैसे इंडिया में तो कर लो कुछ भी, याद सुन भी लेती है महिंद्रा, वहाँ यार ये हाथ तक ही नहीं आती रिमोट एरिया में, बाहर तो क्या ही जाएगी, इनका सर्विस एक्सप्रेस ऐसे रहता। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ी उसके लिए, थैंक यू सो मच। अरे भाई गाड़ी ओके है, ये मेन है ना, गाड़ी तक ओके है, आगे जो होगा वो तो भगवान जाने बस। और महिंद्रा वाले सर्विस सेंटर वगैरह लेके गए उसके बाद इसको? हाँ, ये जो बॉडी वर्क का काम हुआ है ये डीएम महिंद्रा ने अपने गुडविल में पूरा अपने एंड से करा है, प्लस जो सर्विस हुई है लेबर उन्होंने अपने एंड से करी है, स्पेयर पार्ट्स के पैसे हमने दिए। तो महिंद्रा से ऑफिशियली मिला नहीं मिला उनको हमें नहीं पता, पर डीएम महिंद्रा ने करवाया ये, जो मतलब पर्टिकुलर डीलरशिप लेवल पे। डीलरशिप लेवल पे भाई बहुत बढ़िया यार, इन सराहना मिलनी चाहिए मेरी नजर में। तो भाई जब ये नेगेटिव वही है ना, नेगेटिव चीज को इतना पकड़ सकते हैं, पॉजिटिव चीज को भी इनको खुद से दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो महिंद्रा वालों भाइयों देख रहे हो हाई लेवल पे, तो थोड़ा वो देना, और स्पॉन्सर उल्टा करना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ और स्पॉन्सर करना चाहिए महिंद्रा की तरफ से, नहीं तो भाई के पास टाटा फाटा जो दुनिया भर की गाड़ियां। गाड़ियों के ऑप्शन तो बहुत है अब इंडिया में, पर वही है मेरे को अपना इंडियन ब्रांड ले जाना था, थोड़ा सा गाड़ी भी लुक वाइज भी और स्टैंड वाइज भी बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत। चलो भाई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी फॉर ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया निकलेंगे 2 दिन बाद, स्कॉर्पियन के बाद फिर मिलेंगे भाई से ऑस्ट्रेलिया के बाद, देखते हैं अब ज्यादा किलोमीटर चलेगी तो कोई दिक्कत बनती है नहीं बनती। इस बार टेरेंस डिफिकल्ट होने वाली है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से निकलेंगे, ऑफ रोडिंग बर्फ भी मिलेगी रस्ते में, तो इस बार अच्छे से एक्सपीरियंस। इस बार तो मुझे लगता है लंदन में मेनली बस ऐसे रोड ही रोड 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 हाईवेज। अभी अंदर से जब निकलेंगे, जब और ज्यादा गाड़ी खुलेगी और ज्यादा इसका बेहतर पता चल पाएगा। सर्विस भी वहाँ पे बाहर अब मैंने देखा था किसी और उस पे आप करवा रहे थे, टोयोटा वोयोटा पे, मैकेनिक कोई भी पकड़ लो अपना, और इंजन ऑयल भी मिल जाता है हर जगह, डीएफ भी मिल जाता है, सिर्फ जो इसका एसी फिल्टर ऑयल फिल्टर और अपना एयर फिल्टर, ये तीनों ले जाने पड़ते क्योंकि वो इस गाड़ी के वहां नहीं मिलेंगे, तो वो हमें अपने हमने उनको दे दिए थे पार्ट्स, उन्होंने कर दिया 2 घंटे में काम पूरा, सिस्टम है पूरा हो जाता है, सब हो जाता है, बेसिक तो सेम ही होता है, इंजन ऑयल खुलेगा निकलेगा डलेगा सब सेम ही चीज है, वो तो फर्क नहीं। कहते हैं इंडिया में जुगाड़ हर जगह हो जाता है, जुगाड़ तो हर जगह है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्कॉर्पियो N4x4 डीजल ऑटोमेटिक के साथ। भाइयों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।